2024 के लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र भाजपा को सता रहा जाति जनगणना का बोध। महाराष्ट्र में पुणे मुंबई समेत कोरोना के हाई रिस्क के 10 जिलों पर नजर, स्वास्थ्य मंत्री ने की कोविड टास्क फोर्स के साथ बैठक। हीट वेव हुई छू मंतर, कई राज्यों में अगले 5 दिनों तक होगी बारिश, ओले का भी अलर्ट जारी। कर्नाटक में कांग्रेस को मिलेगी 150 सीटें, सिर्फ 40% पर सिमटेगी 40% कमीशन वाली बीजेपी, राहुल। थाने में ट्रैफिक की समस्या को खत्म करने के लिए सरकार ने उठाए कई बड़े कदम। कर्नाटक चुनाव में भ्रष्टाचार, जातीय आरक्षण और नंदिनी अमूल को बना मुद्दा, कांग्रेस ने कर दी बीजेपी की राह मुश्किल। 15 दिन में गिर जाएगी शिंदे सरकार, संजय राउत के बयान से महाराष्ट्र में भूचाल। आज के राम भी क्रोधित दिखाई देते हैं, इन्होंने राम की तस्वीर भी बदल दी, एनसीपी नेता जितेंद्र अहवाड़ का बयान। आप सरकार जरूरत पड़ने पर सख्त से सख्त कदम उठा सकती है, यह साबित हुआ अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी सांसद का बयान। एयरपोर्ट पर अब अलग ट्रे में नहीं रखना होगा लैपटॉप और मोबाइल, जल्द लगेगी 3D CTX मशीन। यूपी के 25 करोड़ लोगों का सुरक्षा कवच है यूपी पुलिस, उस पर भरोसा रखिए, उमेश पाल के घर पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दिया बड़ा बयान। वडोदरा में सफाई कर्मी को मिला 16 करोड़ की वसूली का नोटिस, सफाई कर्मचारी ने कहा उसने कभी बैंक से नहीं लिया है कोई लोन। सलमान ने आमिर खान को गिफ्ट किया अपना लकी ब्रेसलेट, बचपन में पिता से मिला था। पुरस्कार समारोह में लू से हुई मौतों के लिए महाराष्ट्र सरकार 100% जिम्मेदार, शरद पवार। कोरोना अपडेट आपको बता दें, देश में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा नए केस आए, 22 लोगों की मौत। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के नेता संजय राउत ने रविवार को दावा किया कि एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली महाराष्ट्र सरकार का डेथ वारंट जारी हो गया है और अगले 15 से 20 दिनों में ये सरकार गिर जाएगी। शिवसेना के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाले धड़े के प्रमुख नेता संजय राउत ने पत्रकारों से कहा कि उनकी पार्टी अदालत के आदेश का इंतजार कर रही है और उम्मीद कर रही है कि न्याय किया जाएगा। राज्यसभा सदस्य सुप्रीम कोर्ट में लंबित उन याचिकाओं का जिक्र कर रहे थे जिनमें से एक में शिवसेना के 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने का अनुरोध किया गया है जिन्होंने ठाकरे के नेतृत्व के खिलाफ बगावत की थी। गौरतलब है कि एकनाथ शिंदे ने पिछले साल जून में 40 विधायकों के साथ शिवसेना से बगावत कर दी थी जिसके कारण राज्य में महाविकास आघाड़ी सरकार गिर गई थी। बाद में बीजेपी के साथ मिलकर शिंदे ने नई सरकार बनाई।